Hello friends, good evening. I'm Swarnali, is my husband. तो आज का जो वीडियो है वो हम लोग दोनों मिलके बनाएंगे. तो आज का वीडियो है हेयर ऑयलिंग. इनका मैं करूँगी. इससे पहले वाला जो वीडियो था वो ये मुझे किए थे हेयर ऑयलिंग. मेरा अभी भी तबीयत ख़राब है, आप देख सकते हो, गला पूरा बैठा हुआ है. प्लीज़ इग्नोर दैट. इसको पता भी नहीं है कि मैं इनका हेयर ऑयलिंग करूँगी बोल के. अभी बोल रही हूँ तो इनको पता चल रहा है, ये पूरा सरप्राइज़ है. मैं इनका पहले भी बहुत बार की हूँ बट मैं कभी कैमरे में नहीं दिखाई हूँ. तो फर्स्ट टाइम मैं कैमरे के सामने इनका हेयर ऑयलिंग करूंगी आप सबके साथ शेयर करते हुए. और ये आज हम खाएंगे. आई होप आप इंजॉय करेंगे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. और मैं करूंगी जो ऑयलिंग वो है मस्टर्ड ऑयल. आप देख सकते हो एक छोटू सा डिब्बा है मस्टर्ड ऑयल का. तो ये वाला डिब्बा हमेशा मेरा बेड साइड विंडो में रहता है क्योंकि मैं रेगुलर मैं मस्टर्ड अप्लाई करती हूँ सोने के टाइम. इसी से मैं इस पर अप्लाई करूंगी. और मस्टर्ड ऑयल का बहुत सारा बेनिफिट है. उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा टिप्स भी आपसे शेयर करूंगी. मस्टर्ड ऑयल जैसे कुकिंग में यूज करना चाहिए, उससे हेल्थ अच्छा रहता है, खाना में स्वाद आता है. उसके साथ साथ आप मस्टर्ड ऑयल को स्किन के लिए यूज कर सकते हैं, हेयर के लिए यूज कर सकते हैं, सर्दी जुकाम के लिए यूज कर सकते हैं. तो मस्टर्ड ऑयल काफी बेनिफिशियल है विद बॉडी, हेयर, स्किन सबके लिए. बच्चों को तेल मालिश के लिए, सर्दी जुकाम होने के बाद अगर मस्टर्ड ऑयल अप्लाई करते हैं उससे बहुत रिलीफ मिलता है, कफ निकलता है. उसके बाद अगर आप डेली मस्टर्ड ऑयल अप्लाई करके रात को सोते हैं तो पूरे साल आप जुकाम सर्दी से बचे रहते हैं और काफ़ी अच्छा है स्किन के लिए. तो हम लोग पूरे साल इसको यूज़ कर सकते हैं. तब आप सोच रहे होंगे ये यूज़ करते हुए भी मुझे इतना जुकाम क्यों हुआ. तो ये एक वायरस है. वायरस कभी ना कभी किसी को लग भी जाता है, इंसान है, बीमार तो पड़ेंगे. तो बस इतना ही और कुछ नहीं. तो इसको आप अगर मस्टर्ड ऑयल कभी यूज़ नहीं किए तो एक बार ज़रूर यूज़ करके देखना, काफ़ी अच्छा होता है. हम का बेंगली कल्चर में मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा फेमस है कुकिंग के लिए, हेल्थ के लिए, स्किन, हेयर, सब चीज़ के लिए हम लोग मस्टर्ड ऑयल काफ़ी यूज़ करते हैं. तो इसीलिए ये मस्टर्ड ऑयल हम लोग का मेडिसिन रूप में भी हम लोग अप्लाई करते हैं. तो सर के बीच में दूंगी थोड़ा सा. अरे इतना ज्यादा इसका एरोमा है ना, पूरा आंख से पानी निकल जाता है. तेल के बीच में ऑयल को देते हैं, उसके बाद थप थप करके इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं. इससे क्या होता है, ऑयल एब्जॉर्ब होता है स्किन में और उसके बाद आपका जो सर्दी है वो ढीला होता है, बहुत आराम मिलता है उससे. Thank you.
एक भी हेयर फॉल नहीं हुआ, ये बोल रहा कितना हेयर फॉल की, एक भी नहीं हुआ। कैसा हेयर स्टाइल था ऐसा? हाँ तो मेरा फाइनली हेयर ऑयलिंग हो गया विथ मसाज। तो ऐसे करके अगर करते हैं ना मस्टर्ड ऑयल से हेयर ऑयलिंग, इससे क्या होता है सर्दी जुकाम में बहुत राहत मिलती है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो कोई भी हो, तो बहुत राहत मिलती है। मेरा भी मास्टर ऑयल यूज़ कर करके थोड़ा सा ठीक हुआ। मेडिसिन तो है बट मेडिसिन के साथ साथ ये मास्टर ऑयल वाला मेडिसिन भी बहुत वर्क करता है। तो अभी भी चल रहा है, पूरी तरीके से मैं ठीक नहीं हुई हूँ क्योंकि वॉइस काफ़ी ख़राब है। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। आगे मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए अगर जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बाद में जो घंटी आता है बेल, उसको जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमेशा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और नोटिफिकेशन हमेशा ऑल क्लिक कीजिएगा तभी जाके आपको सारा मैं जो जो वीडियो डालूंगी उस सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स एंड करती हूँ और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।